मैं आपको आज सेक्शन 191, सेक्शन 192 एंड सेक्शन 193 के बारे में आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आईपीसी का टॉपिक बताऊंगा, जो फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 191 में क्या दिया गया है? सेक्शन 191 में दिया गया है मिथ्या साक्ष्य देना। सेक्शन 192 में क्या दिया गया? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। एंड सेक्शन 193 में जो दिया गया है वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। सेक्शन 193 में इसका पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, सेक्शन 191 में मिथ्या साक्ष्य देना। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस क्यों जरूरत पड़ी, कंप्लीट कब होता है, कहते किसे के हैं, पूर्ण कब होता है, सेक्शन 192 पूर्ण कब होता है, क्या मतलब होता है सेक्शन 192 का। मैं आपको सो हेल्प करूँगा आज, और भविष्य में आप इस सेक्शंस को मेरे हिसाब से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ के माध्यम से मैं आज आपको सेक्शन 191 से 193 तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाऊँगा। सेक्शन 191 में क्या दिया गया? सेक्शन 191 में दिया गया मिथ्या साक्ष्य देना। सेक्शन 191 मिथ्या साक्ष्य देना का मतलब क्या होता है? मान लीजिए जो कोई शपथ द्वारा विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध का द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, लीगल है, प्लस या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, प्लस या उसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है। कहने का मतलब, आप किसी और के बिहाफ से गवाही देने कोर्ट में आ गए, गवाह कोई और आना था एज ए विटनेस, लेकिन आपने एफिडेविट दाखिल किया, झूठा एफिडेविट, झूठा लफनामा, क्योंकि झूठा लफनामा देने पर भी आप मिथ्या साक्ष्य का अपराध करते हैं। यह जगदीप सिंह केस में कहा गया था, मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके दो एक्सप्लेनेशन दिए गए। दो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया? पहले एक्सप्लेनेशन में दिया गया कि कोई मौखिक दे रहा है या फिर अन्यथा ओरल दे रहा है या फिर किसी और रूप में, तो भी मिथ्या साक्ष्य का वो अपराधी होगा। सेकेंड एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? कोई प्रमाणित करने वाला सर्टिफाइड अथॉरिटी जो होती है, वो अगर किसी तरह का विश्वास अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से उस बात को जानता है और जिस बात को वह नहीं जानता फिर भी जानबूझ कर कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। अब मिथ्या साक्ष्य देने का मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। मान लीजिए आपने झूठी गवाही देने के लिए कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया एज ए विटनेस, कोर्ट कोई और था, लेकिन आपने झूठा लफनामा दिया कि मैं दे रहा हूँ, और आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप फिर भी झूठी गवाही देते हैं, तो आप मिथ्या साक्ष्य देने का अपराधी होंगे। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ। मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर मैं कोई दूसरी शादी के लिए घोषणा करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, तो मैं मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध करता हूँ। आप छुपा रहे हैं ना कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं अविवाहित हूँ। एंड कोई वाजपत्र आपने पेरेंट दाखिल कोर्ट में किया और आपने खुद से ही वो प्रमाणित कर लिया, सर्टिफाइड कर लिया, खुद ही स्टैंप लगा ली, दे दिया कोर्ट में, जबकि कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो ओथ कमिश्नर है। ओथ कमिश्नर एक ऐसा रूम बनाया गया है जहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में दाखिल होगा तो पहले आप उसे ओथ कराएंगे, प्लस एफिडेविट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं आप एफिडेविट के माध्यम से देंगे, तो एफिडेविट ओथ होगा जब भी, तो वो कोर्ट में दाखिल होगा। लेकिन अब आपने वो ओथ कराया नहीं और आपने खुद से ही वो प्रमाणित करके उसे कोर्ट में दाखिल कर दिया, तो आपने मिथ्या साक्ष्य दे दिया। इसी तरह संबंध की तामिली में आपने ऐसे कर दिया, संबंध की तामिल गई और आपने खुद से उसे सिग्नेचर करके रिसीव करके वापस पहुंचा दिया, किसने, जो पुलिस, जो भी पुलिस या फिर कोर्ट के माध्यम से जो भी संबंध आया प्रमाणित करके भेज दिया वापस,
ये भी आपने मिथ्या साक्ष्य किया। अब इसमें एक केस है बहुत फेमस केस, भवन सिंह बनाम जगदीप सिंह। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, जो मैं आपको विटनेस के बारे में बता रहा था, कि एक विटनेस जो हलफनामा देता है, झूठा हलफनामा कोर्ट में दाखिल करता है, वो कहता है कि मैं इस केस में गवाह हूँ और कोर्ट में वो चला जाता है, तो वो वहाँ पर झूठी गवाही देने के आरोप में मिथ्या साक्ष्य देने का अपराधी होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया साफ साफ क्लियर शब्दों। अब हम बात करते हैं सेक्शन 192। सेक्शन 192 क्या है, सेक्शन 192 मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूँ, मिथ्या साक्ष्य गणना। अपने को बचाने के लिए आपने दूसरे को फंसा दिया। आपने बहुत मूवीज देखी होंगी, मूवीज में विलन्स क्या करते हैं, कोई गहना किसी की महिला से चुराया और गहना चुराने के बाद पुलिस से बचने के लिए आपने किसी और के बक्से में रख दिया या किसी की कोर्ट की जेब में गिर दिया। सेक्शन 192 में एक इलस्ट्रेशन है, ए का क्या, एक ए और बी, एक चोरी का माल या चोरी का आभूषण कहीं से चुरा कर लाता है, वो क्या करता है, बी के बक्स में रख देता है। बी के बक्स में रखने के क्या उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इस आशय रखता है कि बी दोषसिद्ध हो, कोर्ट के द्वारा दोषसिद्ध हो, तो यहाँ पर उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। आप जरूरी नहीं है कि बेल लैंग्वेज ही पढ़ें, बुक लैंग्वेज पढ़ें, आप इलस्ट्रेशन अपने भी बना सकते हैं, बस बेरक पढ़ो अच्छे से, बुक पढ़ो अच्छे से, और इलस्ट्रेशन एग्जाम में आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। सेक्शन 192 काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एंड सेक्शन 191 जो मैंने आपको बताया कि मौखिक द्वारा या फिर कोई अनुप्रमाणित हो जो सब्जेक्ट का ज्ञान रखता हो लेकिन वो फिर भी जानबूझ कर कोर्ट से छुपा रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, झूठा साबित कर रहा है, झूठा अनुप्रमाणित कर रहा है, सर्टिफाइड कर रहा है, तो आप सेक्शन 191 में जाएंगे या सेक्शन 192 मिथ्या साक्ष्य गणना। मिथ्या साक्ष्य गणना ये नहीं है कि मिथ्या साक्ष्य गणना की आपने, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में भी मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध कर सकते हैं। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का जो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में है, मैं आपको बता देता हूँ, जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी बुक, जो मैं सब्जेक्ट बता रहा था, कोई अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो हैकर्स होते हैं, साइबर हैकर्स, या आपके आस पड़ोस में कोई हैकर्स हो और आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा कर दें कि या तो आपकी कुछ ऐसी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसमें कुछ चीज़ें पड़ी हों आपके कंप्यूटर में, वो उठा के कहीं और पहुँचा दें और आपको फंस जाए, आप उससे किसी चीज़ का आपका नुकसान हो जाए और आपको वो दोषी कराना चाह रहा हो, तो आप तो वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराधी होगा। एंड इसकी जो एक मैं एक इलस्ट्रेशन और बता देता हूँ, ए अपनी दुकान में बही खाता, जैसे सुनार लोग बही खाता रखते हैं, एक बड़ा सा रजिस्टर रखते हैं, उसमें कुछ नोट करते हैं, बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस आशय से करता है, इस या इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए। आपने उसे फंसाने के लिए झूठी आपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया और आप ने वो कोर्ट में आप चाह रहे हैं कि उसे दिखाकर मैं दूसरे व्यक्ति को जिसके खिलाफ आपने प्रविष्टि में प्रयोजन से वह रजिस्टर में चढ़ाया है, आप उसे झूठा फंसाने के लिए आपने प्रविष्टि की और आप चाहते हैं कि न्यायालय से वो व्यक्ति दोषित हो जाए, तो आपने यहाँ मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। एंड सेक्शन 191 सेक्शन 192 का जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट का जो कवर्ड है, वो पनिशमेंट सेक्शन 193 में है, क्योंकि इन दोनों का जो कवर्ड किया गया है वो सेक्शन 193 में दिया गया है। सेक्शन 193 में इन दोनों से पनिशमेंट, अगर आप सेक्शन 191 या सेक्शन 192 से संबंधित कोई अपराध करते हैं, तो सेक्शन 193 के अकॉर्डिंग 7 ईयर्स पनिशमेंट के आप लाइबल होंगे। एंड मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको कोई भी फॉल्स गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस वीडियो को देखें, और जब भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ में आपको ऑलवेज मिलूंगा। एंड मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल कुमार आपको ऑल द बेस्ट करता हूँ फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू।
सो मच, टेक केयर।